हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा करम जोहार एंड कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है मेरा जावा, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट कर दी है। और आज है कर्मा का उपवास, तो हम लोग सब कोई रेडी होके शाम के टाइम अपना अपना जावा निकाल रहे हैं। लेकिन सुबह से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि क्या ही बोले गाइज। लेकिन बारिश का इस बार हम लोग फुल मज़ा लिए हैं और आप लोग को भी ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में मतलब कंटिन्यू रहिए, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए। और हम लोग का सांची डाला बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, मतलब सब जावा बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो हम लोग शाम को थोड़ा सा डांस किए, उसके बाद घर आ गए। घर में पूजा का तैयारी करने लगे और इधर मम्मी मेरा डाला पूरा रेडी कर दी है। और चलिए अब चलते हैं पूजा करने। और इधर देखिए पूरा करम डाल एकदम बलून और रिबन से पूरा डेकोरेट हो गया है। और बहुत मतलब हवा बहुत स्पीड चल रहा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खैर ऊपर में जो पंडाल का कवर किया है वो कवर किया है, तो उस जगह हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर बारिश का मतलब जो पानी है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज पूजा करने के मतलब पूजा करने के टाइम हम लोग का जो करम डाल होता है उसके चारों ओर हम लोग राउंड कर लगाते हैं और गीत गाते हैं। और यहाँ में हम लोग का नियम है कि हम लोग जो डाला होता है उसी में, बांस का डाला उसी में निकालते हैं जो भी दिया वगैरह होता है, खीरा वगैरह, मतलब पूजा का सामान। बट बाकी जगह मतलब कहीं कहीं जगह, हर जगह नहीं बोल सकते हैं, बहुत जगह डाला में निकाला जाता है और बहुत जगह थाली में भी निकाला जाता है। अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 और इधर मम्मी लोग और जेठी लोग डांस कर रही है और बारिश की वजह से पता नहीं चल रहा है टाइमिंग का। और हम लोग पहले सोच रहे थे कि बारिश क्यों ही हुआ, बारिश सब खराब कर दिया, क्योंकि इस बार लाइट्स वगैरह का डेकोरेशन नहीं हुआ था। हम लोग का हर साल बहुत सारा लाइट्स वगैरह लगता है, बट इस बार बारिश की वजह से थोड़ा रिस्की था, इसीलिए लाइट्स मतलब हटा दिए थे, जो भी डेकोरेशन का चीज़ होता है लाइट्स वगैरह। तो फिर पहले सोचे थे कि बारिश क्यों ही हो रहा है, बट अब जाके लगा कि बारिश हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से ना ही प्यास लग रहा था ना ही भूख लग रहा था। और हम लोग इतना ज़्यादा बारिश में इन्जॉय किए हैं गाइज, क्या बताएं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड हम लोग के साथ साथ आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। आ गए हैं हम लोग अपने हरि बोल के सामने, मतलब डांस करने के लिए। जैसे कि हम लोग का गली में 3 अखड़ा है, तो हम लोग हर अखड़ा में डांस करते करते आते हैं और हम लोग हरि बोल में भी डांस करते हैं। तो अभी हम लोग हरि बोल में मतलब वही डांस करने आए हैं। Thank you.
विसर्जन वगैरह सारा कुछ हो गया और हम लोग आ गए घर। और घर में हम लोग को ये देना होता है धान का जो मतलब पौधा होता है उसका चालू सियार हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग बासी भात चढ़ाते हैं, दही वही चढ़ाते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, सी यू सून माय नेक्स्ट ब्लॉग।